अभी हमारे बीच वेदांती बहन पहुंच गई है। विशेष आज हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी को वतन में भोग खिलाएंगे, साथ साथ बाबा को भी भोग स्वीकार कराएंगी। तो वेदांती बहन से अनुरोध कर रही हूँ, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और इसके साथ ही मधुरवाणी ग्रुप भी अपने अंदर की भावांजलि कहूँ, स्नेहांजलि कहूँ, गीत और संगीत के साथ समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मधुरवाणी ग्रुप। ओम शांति। ओ दादी, ओ दादी अव्यक्त हुई, अव्यक्त से मिलते मिलाते वतन निवासी बन गई तुम, वतन में आते जाते वतन निवासी बन गई तुम, वतन में आते जाते बाबा का प्यार दादी, प्यारी गुलजार दादी।
सर्वोच्च शक्तियों का तन में करना आधार। सर्वोच्च शक्तियों का तन में करना कठिन था सच मुच ये काम न था सा। बलिदान स्वयं को कर दिया तुमने हंसते हंसाते वतन निवासी बन गई तुम वतन में आते जाते। अव्यक्त हुई अव्यक्त से हमें मिलाते ओ दादी अव्यक्त हुई। स्तंभ प्रेरित करता अव्यक्त बन जाने को अव्यक्त इशारे मिल करता अव्यक्त बन जाने को अव्यक्त इशारे मिलते अव्यक्त वर्तन जाने को। याद आओगी हमको तुम अव्यक्त बोल सुनाते वतन निवासी बन गई तुम वतन में आते जाते। जा बाबा की अंतर द्वार
याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सफल बना देंगे हर पल को, सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाए, यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है।
तारा तारा बहन ऊपर आए। दादी आई। दादी आई। पल बस तेरा उपकार है बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है इस परे संसार में तेरा प्यार ही आधार है इस परे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बाबा तेरे हम रहे
ओम शांति। आज आप सबके साथ याद में बैठे बैठे भोग फूल हार फल सब कुछ लेकर जब वतन में पहुंची तो एक सुंदर दृश्य देखा। बाप दादा और सभी दादे और दादियां जो भी हमारे एडवांस पार्टी के एक साथ बैठे हुए थे, तो मैं जैसे ही भोग लेके पहुंची तो मैं तो सबको देख के बहुत खुश हो गई कि आज तो सबको मैं देख रही हूँ वतन में। तो मैं इतनी खुशी में आ गई तो मैंने कहा आज तो मैं निमित्त गुलजार दादी के आप सबके लिए बहुत वैरायटी भोग में लाई हूँ। मुझे बताया था 75 वैरायटी है, तो मैंने कहा 75 वैरायटी है, तो सभी ने मुस्कुराया और बाप दादा ने कहा आओ बच्ची, बहुत अच्छे दिन पर बड़े परिवार के बीच में से बाप दादा के डायमंड हॉल से आई हो। तो मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा देखो ये सब डायमंड यहाँ बैठे हैं और ये गुलजार दादी ने इतना जो सुख दिया ने, तो आज सभी ने यहाँ पर एक आपसी पिकनिक और मीटिंग रखी, क्योंकि अब आप सबकी दादी का बाबा के पास आगे का प्लान है। तो मैंने कहा बाबा मेरे को बता सकते हैं? बोला नहीं, पर बाप दादा के पास प्लान है, वो सारा अब डिजाइन हो रहा है। तो मैंने कहा कि तो ठीक है बाबा, आप सब भोग स्वीकार करो फिर मैं वापस जाऊं। तो गुलजार दादी ने कहा रुको, मेरी बाबा को एक रिक्वेस्ट है कि काफी समय से मुझे डायमंड हॉल में यज्ञवत्सों को निमित्त को बड़े परिवार को दृष्टि देने का मौका नहीं मिला है। तो बाप दादा चाहते हैं कि नहीं, पर मेरी दिल है, ऐसे बोला। बाप दादा चाहते हैं कि नहीं, मेरी दिल है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी जो भी दिल है बाबा पूरी करेगा, परंतु तू अकेली नहीं जाएगी, हम भी साथ में चलते हैं। तो फिर मुझे मालूम नहीं बाप दादा और गुलजार दादी तीनों ने क्या प्लान किया, फिर क्या हुआ, फिर मुझे कुछ मालूम नहीं। पर दादी की जो रिक्वेस्ट थी कि दादी को डायमंड हॉल में काफ़ी समय से दृष्टि देने का मौका नहीं मिला है, तो दृष्टि देने की दिल है। तो ऐसे कहते फिर जो भी हुआ, आप सब ने जो भी अनुभव किया होगा, लेकिन तब बाबा ने कहा जल्दी जल्दी जाना है और जल्दी जल्दी आना है, ऐसे गुलजार दादी को पक्का कराया कि पहले तुम आराम से बैठी रहती थी, दृष्टि देती रहती थी, बातें करती रहती, ऐसे नहीं, जल्दी जाना जल्दी आना। तो गुलजार दादी ने कहा ठीक है बाबा, आप जो कहो, पर मुझे जाना है बस। तो जो भी जिस प्रकार से बाप दादा दादी ने जो भी सीन आप सबको दिखाया,
तो फिर जब मैंने फिर देखा कुछ घड़ियों के बाद गुलजार दादी बाप दादा वहाँ है, तो मैं थोड़ा शांत हो गई। अब मुझे नहीं मालूम मैं आगे क्या करूं। तो बाप दादा ने कहा, बच्ची, बाप दादा ने गुलजार बच्ची की इच्छा पूरी कर ली, अभी बताओ आगे। तो मैंने कहा, बाबा भोग स्वीकार करो, और अगर आपकी दिल है तो हमें कुछ कहो बाबा, थोड़ा तो कहो। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, अब क्या है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन अंदर परसेंटेज वाइज सब में चल रहा है कि अभी हमारे दादियाँ बड़े जा रहे हैं, तो यज्ञ को कौन संभालेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। तो इस बात की प्लानिंग और मीटिंग चल रही है कि जब ब्रह्मा बाप ने भी साकार वतन छोड़ा तो बच्चों में यही प्रश्न था, क्या होगा। फिर बहुत सुंदर पाठ चला, और अभी गुलजार दादी अभी अपना आगे के प्लान में जा रही है, तो फिर प्रश्न उठा है, क्या होगा। गुलजार दादी गई, जानकी दादी गई, हमारी दादियाँ अभी बहुत उम्र हो गई है भाइयों की, तो ये सब प्रश्न चलते हैं। तो यज्ञ तो बाप दादा का है, तो खाली बच्चों को बता दो कि प्रश्न को बंद करो, फुल स्टॉप में रहो। बाप दादा के पास प्लान है, बाप दादा गया नहीं है, खाली दादियों को नीचे से ऊपर बुलाया है, और आगे वो भी अपना पार्ट बजा रहे। और अब तक जो 85 ईयर में चला है उससे बहुत बढ़िया चलने वाला है। सिर्फ सब बच्चों को क्या करना है, छोटे हो या बड़े हो, कोई भी डिपार्टमेंट के निमित्त हो, कोई भी सेवा के निमित्त हो, अभी पोजीशन को भूलो तो ऑपोजिशन बंद। अपनी पोजीशन को भूलो, सेवा करो, सेवाधारी बनकर, और ऑपोजिशन अपने आप जाएगा। और बाबा का यज्ञ अभी बहुत फास्ट विश्व तक पहुंचेगा। खुशी मनाओ कि हमारे यज्ञ के वत्स ऊपर जा रहे हैं, आगे की सेवा कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप सब भी जाएंगे। बाबा सारा कारोबार ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, ये मीटिंग चल रही है। सभी बच्चों को बाबा आज ये कहना चाहते हैं, निश्चिंत हो जाओ। और उसके बाद फिर बाबा ने प्यार से भूख को देखा, सबको दिखाया, और इतने थे वहाँ में, किस किस के सब दादे दादियाँ सब थे, किसके नाम बोलूँ, लेकिन हमारी गुलजार दादी के जाने से बाप दादा तो खुश थे, लेकिन हमारी दादी जानकी और प्रकाशमणि दादी तो ऐसे पकड़े खड़े थे दादी गुलजार को, है इतना सुंदर दृश्य था कि हम सब मिलकर बाबा के इस यज्ञ के कार्य को बहुत सुंदर रीति से पूरा करेंगे। तो वो एक दूसरे को दृष्टि दे रहे थे, बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था, कोई कोई मेरे को भी दृष्टि दे रहे थे। इसे करते करते फिर मेरे को भी वो स्वीकार कराया, और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चों को बताना कि बाप दादा और गुलजार दादी तीनों ने डायमंड हॉल में आके सभी को पावरफुल वरदान दिए हैं,
हर बात में एक रस रहकर आगे बढ़ो, हर बात में एक रस रहकर आगे बढ़ो, हर बात में एक रस रह के आगे बढ़ो। ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा उसमें खुद की, सेवा की, यज्ञ की और सब बात की सफलता समाई हुई है। ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा बच्ची सबको याद तो देनी नहीं है, बाबा खुद जाके आया है। तो ऐसे करते हुए बाबा दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते देते बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर जैसे कमल का फूल दिया। तो मैं फूल को देखती रही। बाबा ने कहा ये फूल सबके लिए है, सब कुछ करते हुए कमल पुष्प समान स्थिति से आगे बढ़ते चलो। वही दृश्य के साथ मैं उस वतन से इस वतन आ गई। ओम शांति। ओम शांति। नीलू बहन के साथ जो भी साथी बहनें दादी जी की सेवा में थी उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आएं।